जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूं। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना है। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज्यादातर लोगों से मिलने वाला हूं, उनसे बात करने वाला हूं और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज को, उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूं। इस संदर्भ में मैंने पिछले तीन दिनों में जो 17,000-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों, और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, यह पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुंचना, बिहार के गांव, शहर, गली, मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए, हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3,000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपनी परिकल्पना में समाहित करेंगे।
आज के तारीख में मेरे पास से ये दो घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।